एक चीज कॉमन है, क्या क्रेडिट होता है, रिटर्न है तो नो एंट्री, एंडोर्स है तो एंडोर्स इन टू बीआर, डिस्काउंट है तो बैंक डिस्काउंट टू बीआर, और बीएफसी है तो बीएफसी। तो बीएफसी टू बीआर के लिए लिख सकते हो बैंक फॉर कलेक्शन या बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना 2000, फर्स्ट बिल मतलब 2000, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बीएफसी टू बीआर 2000, बीइंग बीआर सेंड टू बीएफसी, बीइंग बीआर सेंड टू बीएफसी, डेट क्या होगा, डेट क्या होगा 1/1/2010, इज इट क्लियर, डेट इज 1/1/2010, गॉट इट, बीइंग बिल सेंड टू बीएफसी, बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, गॉट इट, पक्का दूसरा बिल और बिल वॉज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, सीधा ड्यू डेट पे पहुंच गया, तो सेकंड बिल के बारे में कुछ दिया ही नहीं, मतलब व्हेन इज द सेकंड बिल, सेकंड बिल इज रिटर्न सो नो डीलिंग एंट्री, ऑल ऑफ यू गॉट दैट, ओके नेक्स्ट, ऑन द ड्यू डेट द फर्स्ट बिल वॉज ऑनर्ड एंड द बैंक चार्जेस वर 5 rupees, तांशु वेयर वॉज द फर्स्ट बिल, तो बीएफसी का बिल इज गेटिंग ऑनर्ड, व्हाट इज द एंट्री, बैंक चार्जेस, बैंक बैंक चार्जेस टू बीएफसी, बोलो बीएफसी, व्हाई नॉट बीआर, मूवमेंट टू गेव बिल टू वसूली भाई, वसूली भाई एज अ डेटर बढ़ गया और बीआर घट गया, तो अभी किससे पैसा लेना है, वसूली का, तो बैंक बैंक टू बैंक चार्जेस 5 rupees उसने काटा, पनवेल का टिकट, कलेक्शन चार्जेस, इज इट क्लियर, सो बैंक बैंक चार्जेस टू बीएफसी ब्रो, सो बैंक बैंक चार्जेस टू बीएफसी, बैंक फॉर कलेक्शन, मुझे बताओ अमाउंट्स कैसे लिखोगे, कितना आएगा बैंक फॉर कलेक्शन में, बैंक फॉर कलेक्शन इज 2000, पैसा कितना मिला और 5 rupees चार्ज, बीइंग बी आर ऑनर्ड, बीइंग बी आर ऑनर्ड, डेट क्या है इसका, पहला बिल कितने टाइम में देख लो, 2 महीना, तो 1, 2, 1, 3, 4, 3, 10 एम आई राइट, 4, 3, 10 सॉर्टेड, पक्का, पहला बिल का स्टोरी खत्म, वेयर वॉज द सेकेंड बिल, रिटायर्ड, द सेकेंड बिल वॉज रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम, तो रिटायरमेंट हो रहा है, प्रियंका टेल मी द एंट्री फॉर रिटायरमेंट, कैश डिस्काउंट टू बीआर, कैश डिस्काउंट टू बीआर, कि विच है टू विच है बीआर, कैश डिस्काउंट टू बीआर, ऑनर डिसऑनर रिटायरमेंट बीआर, उसके बाद सो इट इज कैश डिस्काउंट या फिर रिबेट, कैश रिबेट लिखो या कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, बिल्स रिसीवेबल, ओके, अभी लेट अस कैलकुलेट द डिस्काउंट, मुझे बताओ ये जो सेकेंड बिल था ना ये कितने महीने का, 3, ठीक है, कब रिटायर हो रहा है, 1 month बिफोर द ड्यू डेट, करेक्ट, तो कितने टाइम का डिस्काउंट, 1 महीने का, 1 kilo, एक क्योंकि 1 महीने पहले दिया, 1 महीने जल्दी दिया, आप अगर 10 साल का लोन उठाते हो बैंक से और 8 साल में पे ऑफ करते हो तो फायदा कितने टाइम का मिलेगा, 8 साल का मिलेगा, 8 साल तो आपने यूज कर लिए, तो 3 महीने का बिल था, कब रिटायर हो रहा है, 1 month बिफोर द ड्यू डेट, तो मतलब कितने महीनों बाद हो रहा है, 2 महीने बाद हो रहा है, 2 month लेटर इट इज गेटिंग रिटायर्ड, टांग मार रही हो, दूसरी बार मारा तुम्हारी टांग, मेरा बात सुना, आर यू लिसनिंग,
ओ गाइस मुझे बोलो अगर 3 महीने का बिल है, ये गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट, सुनो, 3 महीने का बिल है 1 month बिफोर द ड्यू डेट, मतलब 2 महीना तो आप रहे हैं पैसा, उसके बाद 1 month बिफोर द ड्यू डेट है, मतलब ये भी डर गई परी ना, 1 month बिफोर द ड्यू डेट है तो कितने महीने का डिस्काउंट, 1 month, 2 महीना तो लेट ही पे कर रहे हैं ना, मुझे बताओ अगर 4 महीने का बिल है रिटायर्ड 3 months बिफोर द ड्यू डेट, 4 महीने का बिल है रिटायर्ड 3 months बिफोर द ड्यू डेट, मतलब 1 महीने बाद तुरंत पैसा मिल जाए, 3 महीना जल्दी दिया, जितना जल्दी दोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट, समझ रहे हो, हेलो, 4 महीने का बिल है रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट, 1 month का डिस्काउंट, 2 months बिफोर द ड्यू डेट, 3 months बिफोर द ड्यू डेट, 3.5 months बिफोर द डेट, 3 months आफ्टर द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, 2 months आफ्टर द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, 1 month आफ्टर द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जितना बिफोर द ड्यू डेट उतना ज्यादा, समझा, जो यूज किया पीरियड उससे कोई डिस्काउंट मिलता, जितना जल्दी दिया उतना ज्यादा, 1 month बिफोर द ड्यू डेट 1 month का बिल वैल्यू कितना है, I told you many times, interest discount calculation remains same. How many months? PNR वाला फॉर्मूला डालो, इसका मतलब क्या है कि बिल तो 3000 का था लेकिन हाथ में 3000 नहीं आएगा, 2973 डेट क्या है, देखो डेट भी गम्मत है, 1 month बिफोर द ड्यू डेट है, तो पहले ड्यू डेट में जाओ, ड्यू डेट क्या है, लीगल वाले ड्यू डेट, यहाँ से यहाँ पे बोला था ना एक्शन, तो 4 4 10 से 1 महीना पीछे आओ, 4 3 बराबर से आधा साइड छोड़ना है लेजर के लिए, आज का होमवर्क आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आएगा, अभी सुनो मेरा बात, होमवर्क स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक खरीद लेना, यहाँ पे अपना बुक स्टोर है 2-3 सुमैया के सामने, वर्षा है आई थिंक, नहीं 210 रुपए का कोई बुक है वो आपको लेना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड एक बुक बाय कर लो, जब तक बाय नहीं करते हो पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, वहां से सॉल्व करना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आई शेयर, पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ, उससे सॉल्व करना है, ठीक है, होमवर्क करके आना, कोई डाउट है तो मैसेज करना, रट्टा मार के मत करना।